ये जो पपीता का पेड़ है वो गिर गया है। और गाइस मुझसे पहले इसने ये खुदाई यहाँ पे स्टार्ट कर दी है अपनी। और भी फल आने वाले थे इसके अंदर से, पर गाइस ये बुरी तरह से टूट गया है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है मुकेश एंड आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। गाइस आज मैं घर पर हूँ और गाइस कल रात को बहुत तेज़ बारिश और हवा भी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ये जो मेरा छोटा सा यहाँ पर बगीचा है यहाँ पर आकर देखेंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशन है, क्योंकि तेज़ बारिश की वजह से जो अक्सर हैं वो पेड़ डैमेज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर ये देखिए गाइस, ये जो पपीता का पेड़ है वो गिर गया है। इसको अच्छे से फूल भी आए थे और ये ऐसा गिरा पड़ा है। ये जो सुपारी का पेड़ है इस पर भी ये गिरा है, तो इसे मुझे ठीक करना होगा गाइस। और आगे भी देखते हैं, मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए गाइस, ये जो केले का पेड़ है ये भी गिरा हुआ है। ये इसको केले भी लगे थे और ये बुरी तरह से टूट गया है, तो इसको जो है वो वापस ठीक किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसका जो फल है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। पर गाइस यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके साथ और दो छोटे छोटे पेड़ हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, और ये ऐसे गिरा हुआ है, तो हम लोग एटलीस्ट इसको ठीक कर सकते हैं। इसको हमें वापस निकाल के यहाँ पर खड्डा बना के वापस से लगाना होगा। मुझे गाइस बहुत बुरा लगता है जब ऐसा कुछ होता है और मेरे पेड़ों को डैमेज होता है, तो गाइस अभी मैं उसको वापस से लगाऊंगा, तो जाकर देखते हैं कि खुदाई करने के टूल्स कहाँ पर हैं। सो गाइस मुझे ये यहाँ पर मिले हैं और हम लोग जाएंगे वहाँ पर खुदाई करने के लिए। तो इसे जो है फिलहाल हम यहाँ पर साइड में रख देते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करेंगे, पहले हमें इसको यहाँ पर ऐसे क्लीन करना होगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये जो है ये प्लेस थोड़ी क्लीन कर दी है, ताकि मैं यहाँ पर ये पेड़ अच्छे से लगा सकूँ। और गाइस मुझसे पहले इसने ये खुदाई यहाँ पे स्टार्ट कर दी है अपनी। और गाइस हमने ये जो केले का पेड़ है वो सेपरेट कर दिया है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। और ये बड़ा वाला है इसको हम लोग यहाँ से वहाँ पर साइड में हटाएंगे। पेड़ हमने साइड में हटा दिया है और ये जगह क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पर खुदाई स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस हमें इसे भी निकालना होगा और कहीं पे साइड पे लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए गाइस हमारा जो गड्ढा है वो रेडी हो चुका है। देखिए गाइस ये करीब मेरे घुटने से भी ऊपर डीप है, तो इतना काफ़ी होगा। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये डॉग जो है वो भी बहुत ही खुश हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो गाइस ये एक जो पेड़ है वो हम लोग ऐसे ही यहाँ पर लगा देंगे।
ये जो केले का पौधा है वो लग गया है। अब बस इसे थोड़ा यहाँ पर दबाना पड़ेगा इसे पैरों से, ताकि ये अच्छे से यहाँ पर फिट हो जाए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये पौधा जो है वो मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। अभी ये रीग्रो कर पाएगा अच्छे से। तो गाइस मैं इसके लिए बहुत हैप्पी हूँ, पर गाइस मैं इसके लिए थोड़ा सैड हूँ, क्योंकि ये जो केले हैं वो गिर गए हैं। ये ग्रो हो रहे थे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे और भी फल आने वाले थे इसके अंदर से, पर गाइस ये बुरी तरह से टूट गया है। और गाइस जो दूसरा पौधा है उसके लिए मैं जगह ढूंढ रहा था, तो मुझे यहाँ पर जगह मिली। यहाँ पर जो पहले पौधा था वो ख़राब हो गया है, तो मेरे डैडी ने इसे काट के यहाँ पर उड़ा दिया है। और मुझे नहीं लगता कि ये फिर से अच्छे से रीग्रो कर पाएगा, तो हम लोग ये जो हैं इसे निकाल कर फेंकेंगे और यहाँ पर वो दूसरा जो बचा है उसको यहाँ पर लगा देंगे। तो गाइस ये पुराना जो तना है वो हमने निकाल दिया है, और हम यहाँ पर अब अच्छे से खुदाई कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये गड्ढा भी रेडी हो चुका है, और ये इतना घुटने से भी ऊपर डीप है, तो ये भी गड्ढा काफ़ी होगा। तो हम लोग जाकर उस पौधे को लेकर आएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। सो गाइस हमने दोनों पौधे जो हैं पड़े हुए वो लगा दिए हैं, और ये हमारा जो काम है ये कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस यहाँ पर काम करने में आज मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया, और साथ ही में मुझे बहुत खुशी भी हुई कि मैंने वो गिरे हुए जो दो पौधे थे वो लगा दिए हैं। एंड गाइस मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लाता रहूँगा। आई होप आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो गाइस वीडियो को एक लाइक करें। गाइस जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लाता रहूँगा। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय।